यूपी में बीजेपी ने हार का चौका लगा दिया। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर फूलपुर लोकसभा सीट के बाद कैराना और नूरपुर में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार का चौका लगाने के बाद बीजेपी के सहयोगी दल उनसे रूठ रहे हैं, या यूं कहें कि वो नाता तोड़ सकते हैं। उनमें जबरदस्त बेचैनी है। गठबंधन वाले दलों अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। दोनों सहयोगियों का लक्ष्य अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना है, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चुनाव के मद्देनजर ऊर्जा भरी जा सके। उधर बिहार में नीतीश कुमार में भी बेचैनी देखी जा सकती है, वो भी अपनी हार के बाद चुपचाप बैठे। यूपी की बात की जाए तो तय रणनीति के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल अध्यक्ष आशीष पटेल ने पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल के जन्म स्थान कन्नौज के बगुलियाई गांव में 7 जून को पार्टी काडर को इकट्ठा करने के निर्देश दे दिए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए अपना दल सोनेलाल पटेल की विरासत पर दावा करना चाहती है। ओबीसी वर्चस्व वाली पार्टी होने के नाते अपना दल यही चाहती है कि अपने वोट बैंक पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। इसके साथ ही पार्टी की ये भी कोशिश है कि समाज पार्टी के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में सेंध लगाकर किसी तरह से उसे अपने खाते में जोड़ा जा सके। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बाद अपना दल को अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अपना दल ने अपना अगला दांव चलते हुए यूपी में डीएम और एसएसपी पदों के लिए 50% से ज्यादा एससी ओबीसी कोटे की अनिवार्यता को लेकर हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में 9 विधायकों और बड़े वोट बैंक के साथ अनुप्रिया की पार्टी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को 3,37,000 वोटों से मात दी थी। पीएम मोदी की इस जीत में सेवापुरी विधानसभा काफी अहम रही। ऐसे में देखना होगा कि इन हार के बाद अब उनके दल किस ओर चाहते हैं। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अभी ऑन कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।